ఇంతటి యొక్క భారీ పుష్పవర్షంతోని తడిసి ముద్దైపోతున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం భారత్ మాతాకి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వం ఇంత పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చిన యొక్క ప్రజలందరికీ ఆ కటౌట్లపైన సైతం నిలబడ్డారు దయచేసి మీరు జాగృత చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా ఇక్కడ ఒకవైపు సౌండ్ బాక్సుల దగ్గర కూడా అనేక మంది సోదరులు నిలబడ్డారు దయచేసి జాగృతగా ఉండవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను పైకి చాలా చోట్ల ఎక్కారు మీరు అక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను కటౌట్ లో నరేంద్ర మోడీ గారి అంత ఎత్తుకు ఎక్కిన యొక్క యువ సోదరులకు స్వాగతం పలుకుతూ దయచేసి జాగృతగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాను భారీ వర్షం కొద్దిసేపట్లో వేదికపైకి రాబోతున్నారు మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మీ యొక్క అభిమానంతో ఈ ప్రాంతం ఏరులై పార్తున్నది देश का प्रधानमंत्री जी करोड़ों लोगों का जन नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध करम इस मंच पर आने के लिए मैं स्वागत कर रहा हूं भारत माता की नरेंद्र मोदी जी नायकत्वम नरेंद्र मोदी जी नायकत्वम వారు వేదికపైకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి అందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మీ రెండు చేతులు ఎత్తి వారికి స్వాగతం పలకవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారిని से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और प्रधानमंत्री एक रोड शो के माध्यम से सभा स्थल पर मंच पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों के बारिश करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। ये दिखाता है प्रधानमंत्री के तेलंगाना में पहुंचने पर कैसे उनका आदर सत्कार और स्वागत किया गया है। लोग लगातार फूलों की वर्षा कर रहे थे जिस
रास्ते से प्रधानमंत्री का वाहन गुजरा है, वहां पे लगातार फूल ही फूल दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी सभी का दोनों हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग सभा स्थल पर नजर आए। और प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं नाचती नृत्य करती नजर आईं। और निश्चित तौर से ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसभा के तौर पर, और प्रधानमंत्री ने भी अब से कुछ देर पहले जब 8,000 करोड़ रुपए की विकास सौगातें तेलंगाना को सौंपी तो उन्होंने कहा कि आगे कुछ ही दूर पे खुला मैदान है, खुलकर बात होगी। तो निश्चित तौर से खुलकर बात होगी, यानी तमाम राजनीतिक बात भी होगी। किस प्रकार से तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने राज्य को विकास सौगातें दी हैं उसका जिक्र भी होगा। तो कैसे राज्य सरकार के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया जा रहा, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री निश्चित तौर से अपनी बात रख सकते हैं। और तेलंगाना के विकास को लेकर कैसे आगे तमाम प्रयास किए जाएंगे उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया वो अपने आप में अद्वितीय दिखाता, और लगातार फूलों की वर्षा, प्रधानमंत्री का जो वाहन है वो पूरी तरीके से फूलों से ढक गया। प्रधानमंत्री के ऊपर उनके साथ में मौजूद जी किशन रेड्डी जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तेलंगाना में निभा रहे हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनके साथ लगातार वो उस विशेष वाहन पर मौजूद थे। और लोग लगातार फूलों की वर्षा कर रहे प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दरमियान, और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जबरदस्त उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है, लोग एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और लोग अपने फोन में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी हर एक व्यक्ति को उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए दोनों तरफ दोनों हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो निश्चित तौर से तेलंगाना के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज का बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसी तमाम बड़ी परियोजनाओं को लेकर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की एक शुरुआत की है, विकास की सौगात दी है, जो इस पूरे राज्य के लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ी राहत की बात, खुशी की बात। क्योंकि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित तौर से हर आम खास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की एक प्राथमिकता में रहा। इसी तरह कनेक्टिविटी पर भी बहुत फोकस नज़र आ रहा है, और तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज़ वन जिसकी लगभग 800 मेगावाट की इकाई आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की है, तो अपने आप में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उसके बढ़ते कदम को दिखाता है। और ये अपने आप में ये तस्वीरें अब से बस कुछ ही देर पहले की, जब प्रधानमंत्री विशेष वाहन से एक रोड शो के तरीके से सभा स्थल पर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग उनके लिए स्वागत करते नजर आए और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। हमने देखा है कि आज सुबह प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में दौरे में थे, वहाँ लगभग 27,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दी थी, और उसके बाद में अब तेलंगाना पहुंचे हुए। तो प्रधानमंत्री का भी व्यस्त दिन, लगातार लोगों के बीच जाना, विकास सौगातें देना और तमाम उन बातों का जिक्र करना कि कैसे देश को बीते 9.5 वर्षों से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो आगे भी कैसे इस काम को जारी रखा जाएगा इसकी लगातार कोशिश की जा रही। और प्रधानमंत्री इन तमाम बातों का जिक्र भी अपने अभिवादन में करते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने सुना निजामाबाद में ही जब प्रधानमंत्री ने अपनी बातों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि कैसे आयुष्मान भारत जैसी जो स्वास्थ्य योजना है वो आम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा की दुनिया की सबसे बड़ी योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि कोई भी राज्य हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, हर एक तक समान रूप से ये योजनाएं बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से हर संभव लाभार्थी तक पहुंच रही है जो इसका हकदार है। और यही बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है, और कनेक्टिविटी के लिहाज से रेलवे के